नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते समय सार जी महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। अध्यात्म अर्थात जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है, अध्यात्म की परिभाषा है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मा से आत्मा को जोड़ता है मतलब वर्तमान में वर्तती हुई जो पर्याय हैं, ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की, वीर की, इन पर्यायों में शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान, और जो पुरुषार्थ है, जो ताकत है, उसी में लगती है, इसका नाम है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है, जुड़ना। वो शुद्धात्मा कैसा है जिससे हमें जुड़ना है, वो शुद्धात्मा कैसा है, उस शुद्धात्मा की चर्चा, उस आत्मा की चर्चा, भगवान आत्मा की चर्चा, अकारण परमात्मा की चर्चा, किसकी चर्चा, अकारण परमात्मा की, कारण परमात्मा की चर्चा, उसी को अकारण भी कहते हैं, उसी को कारण भी कहते हैं। ये कैसे हो गया, एक ही मेला माँ भी है और पत्नी भी है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा हो सकता है, एक ही महिला माँ भी हो पत्नी भी हो, तो वो ही अकारण परमात्मा है और वो ही कारण परमात्मा है, ऐसे कैसे, कितने लोग बता सकते हैं अच्छे से, शुद्धात्मा ही कारण परमात्मा है और शुद्धात्मा ही अकारण परमात्मा है, कितने लोगों के ज्ञान में ये बात है, कितने लोगों से अच्छे से बता सकते हैं, पुरुषों में एक दो, ये तो भैया बहुत सरल विषय है, कई बार चलता है, बात सरल है, कितने लोग बता सकते हैं, पुरुषों में तो दो हाथ खड़े हुए, बोलो चिंतन भैया, सुनना सभी ध्यान से, इनकी गलती बताना और सही करने की कोशिश करना। हाँ, क्या कहना है, हाँ आप बोलो, अकारण परमात्मा में दोनों जगह स्पष्टता नहीं आई है, अकारण परमात्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि वह किसी का भी कारण नहीं है, सीधी सी बात है, आत्मा किसी भी पर्याय का कारण नहीं है, ना पाप का, ना पुण्य का, ना वितरागता का कारण नहीं है ना, वो आत्मा मोक्ष का कारण होता तो अनादि काल से आत्मा है, मोक्ष हो जाता, इसलिए वो कैसा परमात्मा है, अकारण परमात्मा है। फिर कारण परमात्मा क्यों कहा, क्योंकि जो पर्याय उसका आश्रय करती है उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की प्राप्ति होती है,
आश्रय की तरफ से उसे कारण परमात्मा कहा। इतने शब्द चाहिए स्पष्ट, व्यवस्थित, संतुलित। अकारण परमात्मा क्यों कहा? क्योंकि वह तो किसी का भी कारण नहीं है, वो कुछ करता नहीं है। निमित्त उपादान की चर्चा में से असमर्थ उपादान कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? असमर्थ उपादान कारण। असमर्थ है वो कोई काम नहीं करता। आत्मा, शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा। राष्ट्रपति क्या काम करते हैं? राष्ट्रपति क्या काम करते हैं बोलो? क्या करते हैं बोलो आप? प्रधानमंत्री क्या काम करते हैं? समझ में आया? अपने घर में 80 साल के बुजुर्ग होते हैं, वो क्या काम करते हैं? लेकिन सब उन्हीं की कृपा से होता है, उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। आपकी उपस्थिति ही शुद्धात्मा अकारण परमात्मा है, क्योंकि वो किसी का कारण नहीं है। यदि कारण होता तो शुद्धात्मा तो अनादिकाल से शुद्धता प्रकट हो गई होती, लेकिन नहीं होती। फिर कारण परमात्मा कहा आत्मा को, क्यों कहा कारण परमात्मा? क्योंकि जितनी भी पर्याय में शुद्धता, वितरागता, सुख, सम्यक दर्शन से लेके अनंत काल तक की मोक्ष की पर्याय उत्पन्न होंगी, तो वो उसी के आश्रय से होती हैं। इसलिए उसे कारण परमात्मा कहा। पर्याय की शुद्धता का कारण, पर्यायों के परमात्म पने का कारण, इसलिए कहा कारण परमात्मा। कारण शुद्ध पर्याय लिख लो आप, शुद्धात्मा को ही कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। क्या कहा? शुद्धात्मा को ही कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। कारण शुद्ध पर्याय को अलग से नहीं है। और ज्ञान, श्रद्धा, चायत जो गुणों की चर्चा चल रही है, गुण भेद के निषेध की, ऐसे ही ज्ञान गुण को भी कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। इसलिए यदि अभेद से देखेंगे तो कारण शुद्ध पर्याय एक है, द्रव्य रूप, और यदि भेद से देखेंगे तो कारण शुद्ध पर्याय अनंत है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा? कारण शुद्ध पर्याय नाम तो सुना है पहले कभी? कारण शुद्ध पर्याय मतलब क्या? पर्याय शब्द लगाए तो वैसी पर्याय नहीं। कारण शुद्ध पर्याय मतलब कि त्रिकाली जो वस्तु है उसमें तात्कालिक का भेद किया और भेद सो पर्याय। शुद्धात्मा कब नहीं है? सदा है। सदा लिख लो, सदा, ये त्रिकाली का सूचक है, सदा। लेकिन अभी शुद्धात्मा, अभी शुद्धात्मा, अभी, तो अभी अभी जो शुद्धात्मा कह रहे हैं, त्रिकाली में तत्काल का ये भेद कर दिया, अभी अभी अभी। तो ये क्या हो गया? भेद किया सो ये कारण शुद्ध। फायदा क्या हुआ इससे? तुम अभी शुद्धात्मा हो, अभी प्रभु हो, तो उस ज्ञान में ऐसा जानकर मैं अभी प्रभु हूं। अब आगम युक्ति से जैसे अपन ने बराबर पढ़ा है पूरा, उस पूर्वक अपनी प्रभुता का वेदन हुआ और पर्याय में प्रभुता प्रकट हो गई। लिख लो, सम्यक दर्शन प्रकट होने का मतलब है प्रभुता प्रकट होना।
क्या कहा? सम्यक ज्ञान प्रकट होने का मतलब है प्रभुता प्रकट होना, सम्यक चारित्र अतिंद्रिय आनंद प्रकट हुआ, निर्भयता प्रकट हुई, इसका मतलब है प्रभुता प्रकट होना। ये प्रभुता तो अरण सिद्ध में प्रकट होती है, लिखो अरंत सिद्ध में प्रभुता की पूर्णता होती है। क्या कहा? अरंत सिद्ध में प्रभुता की पूर्णता होती है। आपको 25 लोगों की खीर बनाना है, 25 लोगों की खीर, तो आपने दूध डाल दिया, चावल हो गए उसमें, सब इलायची हो गई, फिर आपने एक शक्कर का दाना डाला, तो क्या हुआ? क्या हुआ? मिठास का मंगलमय मंगलाचरण हो गया, उद्घाटन हो गया। फिर दो दाने डाले, फिर तीन डाले, फिर चार डाले, फिर हजार डाले, फिर लाख डाले, फिर करोड़ डाले, अब कंप्लीट। खीर में शक्कर की प्रभुता की पूर्णता, लेकिन प्रारंभ तो प्रभुता का। कुछ भावासन हो रहा है? अलौकिक बातें हैं, अलौकिक गणित है। एक महिला के दो बच्चे, एक पुरुष के दो बच्चे, तो कितने हैं? दो। ऐसे कैसे दो? और गणित नहीं आता तुम्हें? कितने बच्चे? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। अब बोलो तुम कितने तीतर? तो गणित है, ये समझना पड़ेंगे। क्लियर हुआ विषय? इन गाथाओं में उस कारण परमात्मा की चर्चा है जो कुछ करता नहीं है और जिसके आश्रय के बिना परिणति में अनंत दुख होता है और जिसके आश्रय से परिणति में अनंत सुख होता है, उस आत्मा की चर्चा है। सातवीं गाथा पढ़ी एक साथ। यस स्टार्ट। एक बार फिर इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। क्या कहा? इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, अर्थात जो शुद्ध आत्मा है उसमें अज्ञान मोह राग द्वेष पाप पुण्य की अशुद्धता तो है ही नहीं। सुनो सुनो, मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं मोह राग द्वेष से अशुद्ध नहीं हूं, ऐसा जानना, अनुभवना। क्या कहा? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं मोह राग द्वेष रूप नहीं हूं, इनका करने भोगने वाला नहीं हूं, इनसे प्रभावित नहीं होता, ऐसा अनुभव करना। ये पहली लाइन का अर्थ है। बात समझ में आई? ये सत्य है,
कि पानी बहुत बरस रहा है, हमारे मकान से ही लग के गंदगी बहुत बह रही है, लेकिन वो गंदगी का हमारे मकान में प्रवेश नहीं है, इसलिए हम शांति से बैठे। ऐसे ही मोह राग देश के नाले, विकार के नाले, मिथ्यात्व का महानाला पाप का बह रहा है, लेकिन मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। मोह परिणम रहा है लेकिन मैं अपरिणामी हूं, ऐसा अनुभव ना। मोह से मोह खराब है मैं नहीं, ऐसा अनुभव ना। तीन चीज बोल दी, कौन कौन सी तीन चीज बोल दी? पहला बोलो, मोह है लेकिन मैं मोही नहीं हूं, मैं ज्ञायक हूं। मोह परिणम रहा है लेकिन मैं तो अपरिणामी हूं। दूसरा, और मोह से खराब कौन है, अशुद्ध कौन है? मोह खराब है, मैं तो शुद्ध हूं। ये बात कहीं लिखी है? मोह से मोह खराब है मैं नहीं, राग से राग खराब है मैं नहीं, पाप से पाप खराब है मैं नहीं, ये बात कहीं लिखी है? खराब नहीं है इस शब्दों में। कहीं लिखी है बात? लिखी तो है। निकालो 72 गाथा। इसलिए याद दिला रहे हैं ये कि हमें वो शब्दों से वो भाव भाषण होना चाहिए। शब्द लिखे हैं, सब पढ़ते हैं, गाथाएं पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ठीक है। देखो, जल में काई है सो मलया मैल है, ग्रंथ है सबके पास? सबके पास है? जल में काई है सो मलया मैल है, उस मल की भांति आश्रम मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए वे असुचि हैं, अपवित्र हैं। कौन? आश्रव। आश्रव मतलब, आश्रव मतलब मोह राग द्वेष, सही तो बात है। आश्रव मतलब नाव में छेद होगा, पानी आने लगो, आश्रव। नाव में छेद होगा, पानी आने लगो, आश्रव। आत्मा में छेद होगा, कर्म आने लगे, आश्रव है। सुनो, आत्मा में छेद का मतलब क्या है? जो ज्ञान अपने को मोही रागी द्वेषी जानता है, इसका नाम है आत्मा में छेद होगा। और जो ज्ञान अपने को गुण भेद वाला जानता है, जीव शक्ति से जीता हूं मैं, तो ऐसा जानता है, छेद होगा। लिख लो, छोटा बड़ा कुछ नहीं है यहां, तो अज्ञान का पूरा छेद है। छोटा बड़ा नहीं, यहां पे कोई भेद ही नहीं है छोटे बड़े का। आपका घर पूरा खुला है और इतना सा उसमें छेद है, इतने से छेद में से सांप आ जाएगा और आपको डस के चला जाएगा, आप मर जाओगे। तो बड़ा और छोटा क्या होता है? बोलो, दृष्टांत आया ख्याल में? बड़ा छोटा कुछ नहीं है, छेद मतलब छेद, और छेद का मतलब है अपने को संयोग शरीर कर्म कसाय गुण भेद रूप अनुभव करना।
समझ में आया? छेद, छेद। देखो क्या लिखा है, आश्रव असुचि है। कौन असुचि है? आश्रव असुचि है। और तुम रोने लगे, तुम रोने लगे, इसका मतलब तुम अपने को आश्रव अनुभव कर रहे हो। जितनी महिला है सब मायाचारी की पुंज होती हैं। कुंदकुंद आचार्य ने लिखा प्रवचन सार में 44 गाथा में, अरंत भगवान का उठना बैठना ऐसा है जैसे स्त्रियों में मायाचार। पूरी महिलाएं पक्की मायाचारिणी, ऐसा लिखा है। अब जो अपने को पुरुष अनुभव कर रहे हैं, ऐसा लिखा है उनके बारे में, दोनों पक्के मिथ्या दृष्टि हैं। हमारे बारे में ऐसा लिखो, वे कह रहे हैं उनके बारे में ऐसा लिखो। तो तुम महिला समझो, तुम पुरुष समझो, दोनों में छेद है। कितने बड़े हैं बोलो आप। वे मुनिराज, वे वीतरागी और वे बिचारे, वीतरागी भी बोलेगा और बिचारे ही बोलेगा, कभी शुद्ध ही बुद्ध नहीं है। बोलो, वे बिचारे एक बार खात और अपन तो बार बार, तो वे एक बार खाते हैं तो पूज्य है कि बिचारे हैं? संयमी होने से, इंद्रियों को जीतने से, कसाय को जीतने से वे पूज्य महान बड़े हैं कि बिचारे हैं? वे बिचारे कई गोली खात, हम तो 10 खात। उन बिचारों तो तीसरी पट्टी बंदी, हमें तो देखो पूरे शरीर में प्लास्टर बंदे। वे बिचारे जराजी पट्टी बंदी, क्या भैया? देखो आप, क्या गजब हो गया। वे बिचारे रोज डायलिसिस मशीन पर लेटने पड़त, वे बिचारे, और हम तो साल में एक बार जात। क्या? अरे तुझे 5 बार खाना पड़ता है, 10 बार खाना पड़ता है, और बस चले तो बकरी जैसा, दिन भर गाय जैसा, लेकिन वो भी शाम होते सही शांत होके बैठ जाती है। वो बकरी हो चाहे गाय हो चाहे चिड़िया हो, वो बकरी बिचारी है कि तुम, मतलब बोलो आप क्या है? यहां तो भेद विज्ञान की बात चल रही है कुछ। हो 6वीं 7वीं गाथा के भाव को मर्म को ना जानकर मुनिराज अरंत सिद्ध लगते हैं बड़े सुचि, और अपने को समझता है असुचि। ये टीका कह रही है, और भगवान आत्मा तो कौन सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत सुचि ही है, पवित्र ही है, उज्जवल ही है। बोलो आप, समय सार जी में कितनी गाथाएं आ जाए भैया? किसकी? आप कौन हो? ये लिखा है, भगवान आत्मा हूं, और कैसा हूं? सदा ही अति निर्मल। माला फिरो,
जाप करो, अति निर्मल अति निर्मल अति निर्मल। वो उस पागल ने 10 लोगों को माला फिरवा दी थी, पिताजी ने कही पिताजी ने कही पिताजी ने कही बहुत अच्छा होगा परिवार का, तो 10 के दिमाग में माला फिर गई, खुशी खुशी शहीद हो गए। बोलो माला नहीं हो गए? ऐसा ये माला फेरो। अनादि काल से आज तक तुमने कहा मैं अशुद्ध हूं, मैं मोही हूं, मैं रागी हूं, मैं खराब हूं, अब बोलो मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं पवित्र हूं, मैं भगवान हूं, बोलो। यह माला कुंद कुंद आचार्य देव के गुरु जिनचंद्र, जिनचंद्र आचार्य के गुरु मागनंदी, वही मागनंदी मुनिराज जो कुमार की कन्या के साथ मुनिपना छोड़ के 3 साल रहे थे, उनने सूत्र लिखे हैं, मुकेश भाई साहब ने छपा है, पढ़ना। छपे सूत्र, ध्यान सूत्र छपे हैं मागनंदी आचार्य के, 108। द्रव भावनो क्रम शून्य स्वरूपो हम, चैतन्य स्वरूपो हम, विकार रहित स्वरूपो हम, निर्मल स्वरूपो हम। सूत्र है, हमें तो कछु होत तो शांति विधान कर लो, भक्तामर पढ़ लो, ओम असी अवसा नमा पढ़ लो, और अभी अल पूछ ले आचार के कितने गुण हैं तो जमीन खिसक गई। सफेद टोपी पहन लो, काले कपड़े पहन के शिखर जी की यात्रा कर लो, गंधोदक लगा लो और गंधोदक पी लो, आंखों में भी मल लो। वो फतेहपुर चले जाओ और कहीं टेकरी चले जाओ, कोई सी मजार चले जाओ, पानी बरसता है, पानी बरसता है, जिसका जितना बड़ा बर्तन होता है उतना भराता है। ऐसा नहीं है संजय भाई साहब, इतने सुनो पहले, अबे अबे अबे, जिसका उल्टा बर्तन रखा होता है उसका बिल्कुल नहीं भराता है। और पानी बरसता है, वो पानी यदि आंवले में जाता है तो कसायला होता है, नीम में जाता है तो कड़वा होता है, करेले में जाता है तो कड़वा होता है, नींबू में जाता है तो खट्टा होता है, और गन्ने में जाता है तो। ऐसे ही ये भेद विज्ञान का पानी बरस रहा है, जिसका बर्तन ही उल्टा रखा है, बर्तन ही उल्टा रखा है, ये तो निश्चय की बात है, ज्ञायक ज्ञायक की बात है, भगवान आत्मा की बात कर रहे ये तो। और फिर वही जैसी योग्यता परिणाम की, उस परिणाम के अनुसार वो परिणमित हो जाता है, पाप रूप पुण्य रूप तीव्र कसाय मंद कसाय। पानी तो पानी है, एक ही क्वालिटी है, जो पानी बरस रहा है उससे शुद्ध पानी कोई सा नहीं है। छत के ऊपर ऐसा कपड़ा बांधो बड़ा, और ऐसे पानी इकट्ठा होगा उसमें, फिर ऐसे नीचे आएगा एक बर्तन रख दो, छान के गरम करके पियो, उससे शुद्ध पानी दुनिया में कोई नहीं है फ्री का। और शुद्ध गिरेगा बढ़िया ऐसा पूरा, और छान के ही गिरा लो ऐसे, मतलब मोटा छन्ना होगा तो छन के ही गिर रहा है, बस इकट्ठा हो गया और बढ़िया शुद्ध पानी एकदम। संस्कृति की रक्षा के लिए, परंपरा के लिए, और भी
सावधानी तो सावधानी है, और इस पानी को तुम इकट्ठा कर लो, एक साल रखा रहेगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, जीव नहीं होंगे, और इसके पानी बोलो आप भैया, मीटिंग चालू हो गई 10 तरह की। सिद्धांत की चर्चाओं में यदि ऐसी मीटिंग होने लगे घर घर, तो इतनी मेहनत ना लगे। तो हमें उस मीटिंग में बुलाओ, तब तो पता चले, ये हमें खबर भेजो कि आज मीटिंग हुई थी, ऐसी चर्चा हुई, तो पता चले। अब कब पता चले? कोई अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी तो रह नहीं है। देखो क्या लिखा है, ये बात कहां से आ रही थी? सातवीं गाथा की टीका की लाइन, एक साथ बोलो पहली लाइन, ए हाथ एकदम नकल होने लगी। सातवीं गाथा की टीका की लाइन बोलो एक साथ जल्दी। अब बोलो, कल कहा था याद करने लायक है, देखने लायक है बार बार, फिर आज भी पढ़ रहे हैं, पर उसी का अर्थ कर रहे हैं, और विषय से विषयांतर नहीं हो रहे, उसी का तो अर्थ कर रहे हैं, भेद विज्ञान करा रहे हैं। अभी आप स्तुति पढ़ते थे समय सारी की, उसमें एक लाइन पढ़ी थी आपने, भावो ब्रह्मांड ना भरा। इस ग्रंथ में ब्रह्मांड के भाव भरे हैं, वो निकाल के बता रहे हैं आपको। सब कुछ यहां है, सब कुछ। और एक एक गाथा टीका में आपके बिल्कुल अनुभूत दृष्टांत देके सिद्धांत बताया है। काई का दृष्टांत दिया, पानी में जैसे काई हो जाती है, लेकिन काई काई है, पानी पानी है, काई पानी नहीं, पानी काई नहीं, काई असुचि है, पानी असुचि। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में मोह राग देश पाप पुण्य की काई हो जाती है, फिसलन हो जाती है, लेकिन काई काई है और आत्मा आत्मा है। मैं मोह नहीं हूं, राग नहीं हूं, असुचि नहीं हूं, नहीं हूं तो कौन हूं? तो कह रहे भगवान आत्मा। समझ में आ रहा है? कौन हूं मैं? भगवान आत्मा। सुचि कैसा तत्व हूं? सुचि। सदा ही अति निर्मल, शब्द देखो कैसे है, सदा ही अति निर्मल लक्षण चैतन्य मात्र। कैसा हूं? चैतन्य मात्र, स्वभाव रूप से ज्ञायक है, ये मेरी पर्याय है। जैन साहब का बच्चा जैन साहब है, ज्ञायक की पर्याय ज्ञान है। चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत सुचि ही है। कैसा है? अत्यंत सुचि है, अत्यंत सुचि, पवित्र ही है, उज्ज्वल ही है। जो पूजनों में लाइनें आई हैं, उज्ज्वल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, मोह राग द्वेष से न लगा हूं किंचित भी, यहां से आई हैं। किंचित नहीं लगा। सुनो, कहते हैं मोह असुचि है, अनुभवते हैं आत्मा असुचि है, यही अनंतानुबंधी मायाचारी है। कहे कुछ माने कुछ, असत्य है असत्य, झूठ है झूठ नहीं है। अरे साहब दुनिया में ऐसा बोलता है, अरे आप आपका घर आप, और अंदर में अनुभव का करता है, अरे तुम्हारा क्या है? नहीं आई समझ में? झूठ मायाचारी,
ऐसे यहां पर भी कहता है आश्रव असुचि है, पढ़ता है आश्रव असुचि है, समझाता है आश्रव असुचि है। ओ भैया राग जब तक है तब तक तो विकल्प है, तब तक तो मिटे तब कछु है, कभी नहीं मिटेंगे, कभी नहीं मिटेंगे। क्यों नहीं मिटेंगे कभी? क्योंकि असुचि अनुभव करने का नाम ही तो विकल्प है, मिथ्यात्व की असुचिता है। कैसे मिटेंगे? वो बाहर घूम रहा है लड़का, कब तक बाहर घूम रहा है? जादू बाहर घूम रहा है, कब तक घूम रहा है? जब तक उसकी मम्मी यहां बैठी है। मम्मी चली जाएगी, कितनी देर घूमेगा? ऐसे ये क्रोध मान माया लोभ राग देश पुण्य पाप खाना पीना लड़ाई झगड़े काम भोग बंधन आर भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं, ये कब तक? इसलिए हमें बच्चे को नहीं भगाना, ये बात समझ में आना बहुत बड़ी बात है। हाँ, जड़ से उखाड़ना है। इस ज्ञायक को परद्रव्य के निमित्त से होने वाली अशुद्धता निकालो। सातवीं गाथा, इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। भाव मतलब मैं मोही रागी द्वेषी नहीं हूं, असुचि नहीं हूं, ये उसका भाव है। कल नहीं समझ में आया था इसका भाव, आज समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? अशुद्धता तो दूर रहो, मिथ्यात्वैरी का बुरा है। ये कह रहे हैं कि दूर रहो। समझ में नहीं आती प्रवचन, समझ में थोड़ी आ रहे हैं। मिथ्यात्वैरी का अंश भी दूर रहो, है ही नहीं है। जरा सा एंगल बदलते हैं, खूटा वहीं गड़ा रहता है। क्या कहा? अनादि का खूटा नहीं है। जिन वाणी में व्यवहार न से जो वचन लिखे गए हैं वो हमारे माथे पे एकदम शुद्ध ने बेचारा पैरों में बैठा है। ये दिक्कत ही है। और सब पढ़ चुके अपन, व्यवहार का पक्ष अनादि से है, शुद्ध ने तो आज तक सुना नहीं, ये सब पढ़ के सुना चुके लाइनें। उसका फल संसार है, पढ़ा था? अशुद्ध ने का फल संसार, मिथ्यात्वैरी का अंश भी मोय हो ही रहो, मिथ्यात्व है ही, और ये कह रहे हैं कि है नहीं, अंश भी नहीं मेरे में। भैया ये तो निश्चयाभास वाले प्रवचन है, बिल्कुल एकांत है।
हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ बताओ खदान में जो सोना है उस खदान के सोने में कितनी अशुद्धता है, सोने में कितनी अशुद्धता है। बोलो सोने में अशुद्धता पूछ रहे हैं। जहां सोना है वहां अशुद्धता है। सुनो वास्तव में तो जहां सोना है वहां अशुद्धता भी नहीं है। बात समझ में आई? सोने के संग में अशुद्धता है। समझ में आया? सोने में नहीं है। बताओ शरीर में कितने परसेंट बुखार आता है? बोलो डॉक्टर साहब नहीं आज कुर्सी खाली है, बैठ जाओ कोई। बोलो शरीर बहुत मार्मिक दृष्टांत है और सुनना लॉजिक है। शरीर में कितने परसेंट बुखार आता है? उत्तर सिद्ध करके बताओ। अगर शरीर में बुखार आ जाए तो वो उसका स्वभाव बन जाए तो जाए ही ना, मतलब अस्थि से बोला तो बढ़िया है, धूल में लट तो आज भले ही धूल नहीं है आज। अरे आप समझ नहीं पा रहे, होशियारी बरबाद है। हम नहीं समझ पा रहे। अब जाए और समझाओ। सुनो उत्तर नास्ति से, अस्थि से दिया था, बढ़िया था उत्तर वो। नास्ति से यदि शरीर में बुखार हो, वो बुखार और शरीर एक ही हो, तो बुखार के हटने पर शरीर भी हट जाए। ये लॉजिक गले बैठे एकदम। बुखार के मिटने पर शरीर भी मिट जाए, लेकिन बुखार मिट जाता है शरीर तो यूं का यूं रहता है। ऐसा ही मोह राग द्वेष मिट जाते हैं और आत्मा तो वे घटते हैं बढ़ते हैं, कम होते हैं ज्यादा होते हैं, कभी उस कम होए कभी उस कम होए, कभी कम होए कभी ज्यादा होए, मतलब फ्लक्चुएशन उनमें ही तारतम्य भेद पड़ते हैं, कभी सुख लेस्य कभी कृष्ण लेस्य, कभी किसी की कसा है कभी किसी के प्रति कसा है, कभी किसी के प्रति राग कभी किसी के प्रति राग, पैसे के कारण लुटेरों ने पति को गोली मार दी, पत्नी विधवा हो गई, अब जिंदगी भर वो ही रुपए पत्नी के लिए कैसे दिख रहे हैं, अरे इनके कारण पति मर गए हमारे, अब उन रुपयों से जो राग था अब क्या हो गया, अरे द्वेष हो गया, स्वरूप है संसार का कुछ नहीं, ऐसा स्वरूप है। ऐसे चलते हैं नाटक, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता। छठवीं सातवीं गाथा के मर्म को जाने बिना कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? जहां आत्मा है वहां मोह राग देश नहीं है, आत्मा में मोह राग देश नहीं है, एक जगह पे नहीं है। ये ऐसा गजब है। भाव भेद है। कौन सा भेद है? भाव भेद है। हाँ 181 व्याजी 83 गाथा में कहा उसके प्रदेश भेद है मोह राग देश के। उसका आधार आदेश संबंध हमसे नहीं है। क्या कहा? उसका आधार आदेश संबंध हमसे नहीं है। हम तो अपने लड़के को बहुत समझा रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, बहुत कह रहे हैं, अच्छा भोजन करा रहे हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा नहीं कर रहा, गलत बातें सीख गया, तो उसका आधार आदेश संबंध अब हमसे नहीं है। लोक में भी ऐसा होता है। जो अशुद्धता है वो अशुद्धता तो दूर रहो, देखो भाषा क्या है, दूर रहो, दूर रहो मतलब दूर देखो। क्या क्या कहा? क्या कहा? दूर रहो मतलब आज से हमने उसे दूर देखना प्रारंभ कर दिया। अभी अभी शब्द है,
दूर देखना प्रारंभ कर दिया, मतलब अपने को मोही रागी द्वेषी विकारी पाप पुण्य वाला कर्ता भोक्ता उनसे अच्छा बुरा होने वाला नहीं अनुभवते। गाथा पढ़ के सुना दी, वे असुचि है और मैं तो शुचि हूँ, वे पामर है और मैं तो परमात्मा हूँ, ऐसा है बराबर। दूर रहो, भाववासन हो गया इसका पहली लाइन का। आगे किंतु उसके उसके किसके किसके ओ मेरे में ओ दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। देखो भाषा कैसी है, डायरेक्ट। अरे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, है ही नहीं है मेरे में, ऐसी भाषा होनी चाहिए। राग मेरे में है ही नहीं है, अरे ऐसा कहो निश्चय ऐसे नहीं है, ऐसे। अरे भैया सुनो, हमें जिस बात का लक्ष्य छुड़ाना हो उसका अत्यंत निर्दयता से निषेध करते हैं। लिख लो ये वाक, अत्यंत निर्दयता से निषेध करते हैं। जो काम हमें नहीं करना, अत्यंत निर्दयता से निषेध करते हैं। विदेशों में भी बहुत से बच्चे जाते हैं लेकिन जिन्हें नहीं पीना तो वहां तो सब ऑफर देंगे, माहौल है, देश ऐसे हैं, ठंडे देश हैं एकदम, वहां पे बियर शराब नहीं पिए ऐसा तो नहीं है। कल्चर है, माहौल है, स्थिति है। जैन परिवार भी यदि कश्मीर में जाए सर्विस करने, सेना वेना में हो जाते हैं भर्ती, तो उनका बच्चा जन्मे तो जन्मते से ही पिलाएंगे, निमोनिया ना हो जाए। क्या बात चल रही थी? अत्यंत निषेध है, हम नहीं पिएंगे, समझ में आ रहा है? ऐसा है, निषेध करते हैं। ऐसे ही यहां पर अंतिम व्यवहार में जीव ना अटक जाए, ना लटक जाए, ना भटक जाए, इसलिए उस गुण भेद का भी निषेध करना है, निषेध करना है। इसका भाव कल खोलेंगे विशेष, कल इसकी चर्चा करेंगे। पहले हालांकि कई बार कर चुके हैं लेकिन अब विषय है, ये गाथा है, मूल टीका है। निषेध करते हैं, कितना बड़ा पाप होता है ये कल बताएंगे। उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान है नहीं है, आहा नहीं है, नहीं है। वो आ गए दोस्त बुलाने, वो घर पे वो बैठा है, हवाई लगा रहे हैं, मम्मी निकली बाहर, क्यों वो है नहीं है? मम्मी क्या बोल रही है? नहीं है, नहीं है, नहीं अभी तो आओ तो हमने देखो तो अंदर आओ तो, नहीं नहीं वो तो कहीं चला गया, नहीं है। क्या कर रहे हैं? और दूसरों कह रहे हो अब गो तो अंदर हमने देखो अब गो तो ऐ मन कर दी ना नहीं है, नहीं है। ऐसे ही बोले आत्मा में जीव शक्ति तो है, ज्ञान गुण तो है, शैतानी शक्ति है नहीं है। अरे तूने अनादि काल से शक्तियों के चक्कर में शक्तिमान की विराधना की है, शक्तियों की महिमा की है, शक्तियों के गीत गाए हैं, शक्तियों की माला फेरी है,
शक्ति याद करते रहे, इसलिए वो शक्ति लगी रही जैसे लक्ष्मण को लगी थी अज्ञान की, जो उस पड़े रहे। इसका मर्म सारा कल बताएंगे, कैसे वो गड़बड़ है, गड़बड़ दूर होगी, दोनों बातें। वो नीचे की सीढ़ियों के मैटर है, वो अभी बात अलग है एकदम। यहाँ पे अभी तो इस लाइन कर चल रहा है कि अशुद्धता तो दूर रहो, लाइन यहाँ चल रहा है अभी, निकट आने की बात है। अभी आगम की सिद्धि नहीं चल रही, अभी तो आगम का निषिद्ध चल रहा है निर्दयता पूर्वक। क्या कहा? हाँ, अभी आगम की सिद्धि नहीं चल रही यहाँ पे, अभी तो निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी मां वंदना सतवार है वंदना सतवार।